भारतीय जनता पार्टी के ध्येय वाक्य सेवा ही संगठन है के तहत जरूरतमंदों की मदद। समाज सेवी हरीश गिदवानी ने वार्ड 67 में 30 परिवारों को बांटी सूखी राशन सामग्री। भारतीय जनता पार्टी के ध्येय वाक्य सेवा ही संगठन है को लेकर शुक्रवार को पार्टी के समाज सेवी भामाशाह हरीश गिदवानी पेन वाले और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी झेल रहे गरीबों की मदद करते हुए वार्ड नंबर 67 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ललिता सांखला की अनुशंसा पर चिन्हित 30 परिवारों को सूखी राशन सामग्री के किट बांटे गए। राशन सामग्री किट में आटे का कट्टा, दाल, चावल, मिर्च मसाले, तेल, सैनिटाइजर और साबुन आदि जरूरत का सामान दिया गया। समाजसेवी हरीश गिदवानी ने बताया कि इन परिवारों को इस लॉकडाउन में रोजी रोटी का संकट आ रहा है, इनको काम भी नहीं मिल रहा। ऐसे में जहाँ से भी सूची मिल रही है वहाँ पहुँचकर उन परिवारों की मदद की जा रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। जैसा आपको पता है कि सेवा ही संगठन का कार्य हमारा लगातार काफ़ी दिनों से चल रहा है। आज भी हमने इस सेवा कार्य को चालू रखते हुए वार्ड 67 से ललिता जी का कल फ़ोन आया था कि कुछ परिवार है, तो वही सिस्टम से 25-30 परिवारों को की लिस्ट बनाई गई और आज करीब 3 बजे किशनगंज इलाके में आटा, चावल, दाल, सैनिटाइजर, छोटी मोटी चावल दाल वगैरह दी गई और उनका आशीर्वाद दिया गया, उनको सैनिटाइज दिया गया। इनको ये याद कराया गया कि अभी कोरोना काल चल रहा है, मास्क लगाए रखें, सैनिटाइज का उपयोग करें, घर से नहीं निकलें, कोरोना की चेन को तोड़ें और अपन को कोरोना की जंग जीतनी है, यही हमारा लक्ष्य है। सेवा ही संगठन से हम काम करते रहे और आगे भी करते निरंतर करते रहेंगे। हर वार्ड में वाटर वार्ड सर जहाँ जहाँ से हमारे को ज्ञात हो रही है, जहाँ जहाँ से हमारे को सूचना मिल रही है वहाँ वहाँ हम काम कर रहे थे। जैसे कल 44 नंबर वार्ड में थे, आज 67 वार्ड में, आगे कल भी कोई लिस्ट बनी हुई है। जैसे जैसे ज्ञात होता है, और वैसे आपको मैं ज्ञात करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जैसे जैसे पर्सनली हमारे को काफ़ी फ़ोन आते हैं, कहीं एक पैकेट, जैसे आज भी मैं कहीं विवेकानंद स्कूल माकलवाली रोड पे, बहुत ही उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, बच्चा और भाई, उनकी महिला अकेली रहती थी, तो हमको ऐसे भी काफ़ी फोन आते हैं जिनको हम घर पे जाके दिन भर में करीब 20-25 किट उनको भी घर घर जाके बांट करते हैं। जो आप जैसे लोग हैं, ललिता जी से लोग बताते हैं हमारे को, ये परिवार है ये आ नहीं सकते, उनके घरों पे जाके हम दे के आते हैं। हमारा एक ही सेवा संगठन का एक ही लक्ष्य है, कोई भी भूखा ना सोए, सबको खाना मिले और सबको दवाइयाँ की व्यवस्था करा के देते हैं। कहीं कहीं से दवाइयों को भी, कल जैसे दवाइयों की डिमांड थी तो उसको दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई गई और ये निरंतर कार्य चलता रहेगा सेवा ही संगठन। क्षेत्रीय समाजसेवी नरेश मुदगल ने बताया कि उन्होंने भामाशाह हरीश गिदवानी से अपने वार्ड के जरूरतमंद परिवारों को सूखी राशन सामग्री भेंट करने की अपील की थी, जिस पर आज समाजसेवी हरीश गिदवानी ने 30 परिवारों को सूखी राशन सामग्री भेंट की है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई साहब, ये जो सेवा कर रहे हो ऐसा क्या उद्देश्य है सेवा करने का और आगे किस तरीके से? सर अजमेर का जो सेवा ही संगठन के जो समाज सेवी हमारे हरीश गिदवानी जी भाई, जो निसंकोच जो जरूरतमंद है उनके लिए रात दिन लगे हुए हैं और सिर्फ उनके राशन की सामग्री के साथ में जो भी आवश्यकता अनुसार ज़रूरतें हैं वो पूरी करने में लगे हुए हैं, चाहे वो अंतिम संस्कार का हो, चाहे हॉस्पिटल रिलेटेड कोई समस्या हो उनकी और भोजन की समस्या हो, क्योंकि आदमी अभी दो ही मुश्किलों का सामना कर रहा है, एक तो आर्थिक स्थिति से और एक घर के राशन की स्थिति से। बड़ी बड़ी संस्थाएं अजमेर के अंदर आप देख रहे हो कि गली गलियों के अंदर सैनिटाइजर का एक चला रहे कि सैनिटाइजर से कर रहे हैं हम, क्या सैनिटाइजर से गरीब आदमी की भूख मिटेगी? अभी ज़रूरत है राशन की, जिसको लेकर के हरीश भाई दिन रात लगे हुए हैं और ज़रूरतमंदों के लिए लिस्ट इनके पास में आती है और उससे विद इन 1 से 2 घंटे के अंदर उसके खुद के डोर टू डोर पहुँच करके वहाँ पर चल रहा है और ये जो कार्यक्रम है निरंतर चलता रहेगा। इनका लक्ष्य एक ही है कि अजमेर को कोरोना मुक्त किया जाए, कोई भी गरीब परिवार, कोई भी मध्यम वर्गीय परिवार जिसको वाकई ज़रूरतमंद है वो भूखा ना रहे। नरेश मुदगल जहाँ जहाँ से भी आ रहे हैं सब्जी के जा रहे हैं, बिल्कुल सब इनके पास में सुबह से लगते हैं, ये 7 बजे से स्टार्ट होता है इनका कार्यक्रम, इनके पास में सूचियाँ आती हैं डेली की, डेली का कम से कम 100 से 150
परिवारों को ये राशन का वितरण चल रहा है। किसी का वाड़ो चाहे बीजेपी का, किसी का वाड़ो राजनीतिक से भेदभाव से उठ पर उठ करके, चाहे वो कांग्रेस का वाड़ हो, चाहे बीजेपी का वाड़ हो, चाहे किसी का वाड़ हो, इसमें किसी प्रकार की राजनीति, सेवा ही संगठन के माध्यम से हरीश विद्वानी जी दिन रात लगे हुए हैं। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, ये 2 साल से सारे ही किसी सब बेचारे सब बेरोजगार हो चुके हैं, तो कोई रोटी के लिए नहीं तरसे। इसके लिए हम हरीश जी विद्वानी जी का तहे दिल हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने एक ही बार कहने पर इन सब लोगों की मदद की है, जिनको एक शाम को खाना मिल सके। और दूसरी चीज़ यह है कि प्रभु जिनको इस ईश्वर जो भी इस चीज़ को जिस निमित्त के लिए इनको भेजा है, तो ये एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसका हम और हमारी पूरी टीम और वार्ड 67 की पूरी टीम, इनका हम हृदय से आभार करते हैं कि इन्होंने एक बार कहने पे इन्होंने कहा कि आप अपनी लिस्ट भेजिए और हम तुरंत आते हैं। और इन्होंने जैसा आज सेवा का काम किया है, पुण्य का काम किया है, तो जो ईश्वर सदा इनको ऐसा ही रखे। और इनका बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए हम पुनः इनका धन्यवाद देते हैं।